हेलो नमस्कार, खुश रहो बच्चों। आई एम जेबीएम डॉक्टर शाहनवाज आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जनरली बिलीव टू बी डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ ऑफ रियल फैक्टर सच एज कैपिटल एक्युमुलेशंस, टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इंक्रीज इन क्वालिटी एंड स्किल ऑफ लेबर फोर्सेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है जनरली डिपेंड किस में होता है? रियल ग्रोथ फैक्टर पे होता है, कैपिटल एक्युमुलेशन पे होता है, टेक्निकल प्रोग्रेस पे होता है, एंड ठीक है, एंड क्वालिटी एंड स्किल्स ऑफ लेबर्स पे होता है कि लेबर की क्वालिटी क्या है। अच्छा, ये जो लेबर और लेबर क्वालिटी एंड स्किल पे इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो स्किल बेस्ड होता है। ठीक है, जिसके पास स्किल ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके पास स्किल कम होगा वो कम प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अच्छा, दिस व्यू डज नॉट एडिक्वेट द स्ट्रेस द रोल ऑफ मनी इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि मनी का कोई रोल नहीं है। मनी भी एक मस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि मनी जो है कैपिटल एक्युमुलेशंस, टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इंक्रीज इन क्वालिटी स्किल ऑल आर डिपेंडेंट ऑन मनी। ठीक है, सब मनी पे डिपेंड है। मनी नहीं एक ना कैपिटल एक्युमुलेशन होगा, ना टेक्निकल प्रोग्रेस होगा, ना क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट होगा, ना एजुकेशन होगा, ना स्किल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, दिस व्यू डज नॉट एडिक्वेट द स्ट्रेस द रोल ऑफ मनी इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट्स सेड दैट मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट मैटर इज द रियल गुड्स एंड प्रोडक्टिव फैक्टर विच मनी बाय। हाउएवर द एक्सट्रीम व्यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी सच एज नो लॉन्गर बिलीव्ड। नॉट ओनली इज मनी ए इम्पोर्टेंट फैक्टर विदाउट विच मॉडर्न कम्प्लेक्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉसिबल, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वी डिस्कस बिलो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन द प्रोसेस of economic development. In monetary today, money performs several functions. ठीक है, आज के दौर में money बहुत सारे function perform कर रहा है। Money serve as standard of value, standard एक value, ठीक है, perform कर रहा है, in which other is measure the value of money. Money is store of value. ठीक है, store of value का भी कार्य कर रहा है। दैट इज द मींस इन विच वेल्थ कैन बी हेल्ड, जिसके मनी जिसके रूप में हम धन इकट्ठा कर सकते हैं। इट एक्ट एज स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। हाउएवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर गुड्स इज दैट इट सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सबसे बेहतर क्या इसका कार्य है कि इसका परफॉर्मेंस मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है। दैट इज मनी इज मींट ए पेमेंट फॉर गुड एंड सर्विसेज। जो गुड एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं उसके लिए हम इसको पे कर सकते हैं। इट इज द यूज ऑफ मनी दैट डिस्टिंग्विशेस ए मॉनेटरी इकोनॉमी फ्रॉम बार्टर इकोनॉमी। ये जो पैसा है जो बार्टर सिस्टम से इस इकोनॉमी को बेटर इकोनॉमी बनाता है। ए मॉनेटरी इकोनॉमी इन विच गुड्स आर सोल्ड फॉर मनी एंड मनी इज यूज्ड फॉर गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, अच्छा, अब क्या करता है मनी, करता क्या है ना, कैसे डेवलप करता है? कि कह रहा है कि मनी प्रमोट द प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मनी के लिए लोग काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, इनकम जनरेट होता है,
सेविंग होता है, सेविंग से प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, फॉरेन करेंसी हमारे पास आते हैं, फिर री इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, और हमारा पर कैपिटा और नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, मनी प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ठीक। ये अगर इन्वेस्टमेंट है तो आसानी, अगर मनी है तो इन्वेस्टमेंट एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कर सकती है, चाहे कोई भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट इजीली कहीं भी कर सकता है, मगर किसी के पास 50 घोड़े हो किसी कंट्री में तो दूसरे कंट्री में घोड़े थोड़ी भेज सकते, इन्वेस्ट कर सकता है अगर दूसरे घोड़े की जरूरत हो तो, नहीं कर सकता है। किसी के पास हाथी है तो दूसरे देश में हाथी थोड़ी भेज सकता है, इन्वेस्ट थोड़ी कर सकता है कि हाथी भेजे वहां से कमाने के लिए। तो ये मनी क्या है, मनी के रूप में इन्वेस्टमेंट किया, वहां का हाथी खरीदा, वहां का घोड़ा खरीदा, वहां की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वहां एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, वहां हॉस्पिटल हेल्थ में इन्वेस्ट किया और वहां से अर्निंग शुरू किया, ठीक है। जनरली दो तरह की इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि FDI होता है और FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर जो है वो एक टाइम ड्यूरेबल ड्यूरेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। मगर FII जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ठीक है, किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट किया जब चाहा उसको वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले सकता है या सेल कर सकता है दूसरे को, ठीक है। तो इसीलिए हम FDI को परमानेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट जो है वो मनी पे ही बेस्ड है, पैसे कमाने के लिए ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव ही होता है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द करेंट सेविंग, ठीक है, द ग्रेटर द करेंट सेविंग द ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक करंट सेविंग पे इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, एक करंट सेविंग पे यानी सेविंग जितना होगा वो कन्वर्ट होगा इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में हमेशा इकोनॉमी में बराबर है तो कोई भी, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं आएगा, हमारा एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगा। अगर सेविंग नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, all the economy going to disequilibrium situation. अच्छा, monetization एक economic growth. Monetization से economic growth क्या है? The introduction of money help the bringing in contact of modern sectors. The contact of substance sectors with the modern sector will lead to expansion of its output in order to obtain the products of modern industrial sector, the people engaged in the substance sector will make effort to raise their output. ठीक है, surplus output over their self consumption will be generated in the way which will ultimately break their substance nature. It is supported by past history of developing countries. ठीक है, सिमिलरली टू ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्शंस फॉर एक्सपोर्ट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन द सब्सटेंस एग्रीकल्चर सेक्टर्स, ठीक है, इफ सम राइज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय क्रिएटेड मनी। थैंक यू।